आज हम आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का पार्ट 4 एक्सप्लेन करेंगे जो 2009 में रिलीज हुआ। मूवी के स्टार्ट में हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस में बैठे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कार रेस देखने आए थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम निक होता है और उसकी फ्रेंड का नाम लोरी होता है, और उनके साथ उनके दो दोस्त थे। वो जिस जगह पर बैठे हुए थे उस प्लेस का नाम 180 था। वहाँ पर सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन निक थोड़ा परेशान था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्लूज मिल रहे थे। वो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए कुछ लोगों को देखते हैं। उन लोगों के सामने एक कॉबॉय आकर बैठ जाता है। वहीं पर एक अमेरिकन कपल भी आया होता है जिन्हें एक गार्ड आकर कुछ कहता है, और एक मदर भी थी जो कि अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पर आई थी। उनके अलावा एक कार मैकेनिक था जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे क्रैश हो जाएगा, और उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें एक ड्राइवर स्क्रू फंसा रहा था, और वो स्क्रू रेस ट्रैक पर गिर जाता है जिससे एक गाड़ी का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। एक टायर उस कार मैकेनिक की फ्रेंड के ऊपर आकर गिर जाता है जिससे वो मर जाती है। सब लोग घबराहट के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। रेस ट्रैक पर सारी कार एक दूसरे से टकरा रही थी और उनके पीसेस दूर दूर तक आकर गिर रहे थे, जिससे उस अमेरिकन कपल की भी डेथ हो जाती है। एक कार इंजन उन बच्चों की मदद के ऊपर आकर गिरता है जिससे वो क्रैश जाती है और वहीं पर मारी जाती है। वो मैकेनिक भाग रहा होता है और उसकी भी बहुत बुरे तरीके से डेथ हो जाती है। उसके बाद वो कॉबॉय मरता है। निक के दोस्त भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर छत गिरने से वो भी मर जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे लोरी और सिक्योरिटी गार्ड भी मारे जाते हैं, और वहीं पर निक की भी मौत हो जाती है। और तभी निक फौरन से सेंसेस में आ जाता है, और यहाँ पर निक को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने ये सब क्या देख लिया है। और तभी वो कॉबॉय आकर उसके सामने बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि उसने भी देखा था, यानी उसने फ्यूचर देख लिया था। और निक को पता होता है कि अब क्या होगा, यानी कि अब एक्सीडेंट होगा और क्रैशेस होंगे, और रेस में जिस कार का एक्सीडेंट होना था उसका नंबर भी 45 होता है। निक बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है। अक्सर लोगों को निक की बात पर गुस्सा आता है और लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कह पाते उसकी बात सच हो जाती है। अंदर सारी कार्स क्रैश हो जाती है। उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही फंस गई थी। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि क्रैश की वजह से पूरा स्टेडियम उसके लपेट में आ गया था। सब लोग काफी डरे हुए थे और घबराए हुए थे। तभी अंदर से कुर्ता हुआ टायर आता है और मैकेनिक की फ्रेंड का सर उड़ा देता है, और लोग देखते ही रह जाते हैं। उस एक्सीडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन लोगों की याद में जो उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। निक और लोरी भी वहाँ पर जाते हैं जहाँ उन्हें अपने जैसे बाकी सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। वो अमेरिकन अपनी वाइफ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल गार्ड को मान रहा था क्योंकि उस गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उसकी बातों से लग रहा होता है कि वो काफी गुस्से में है और वो अपनी वाइफ की मौत का बदला जरूर लेगा। रात को भी निक को एक वीएन दिखाई देता है जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और जाग जाता है। उसे अपने वीएन में कुछ आग जैसा देखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। दूसरी तरफ वो अमेरिकन काफी नशे में था और वो उस गार्ड के घर जाता है। वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर गार्ड के घर जा रहा था और तभी अचानक से बियर कैंस रेस पर गिर जाते हैं और उसका ट्रक चलने लगता है जिसकी वजह से वो चेन में फंस जाता है, और ट्रक उसे घसीटते हुए ले जा रहा था और फ्यूल गिरने की वजह से उस चेन में आग लग जाती है। वो चिल्ला रहा होता है और तभी उसकी आवाज के गार्ड बाहर आ जाता है और इतने में आग इंजन तक पहुंच जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और जब निक ये न्यूज देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो वीएन में देखा था वो अमेरिकन की डेथ का ही था, और वो अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे दूसरा वीएन नजर आता है। और वीएन तो वो देख लेता है लेकिन इस बार भी उसे ये पता नहीं चलता कि अब मौत की किसकी बारी है। वो मदर अपने बच्चों के साथ एक सैलून में जाती है। उस लेडी के बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे होते हैं। वहाँ पर गार्डनर उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से भगा देता है। जब वो लेडी सैलून में बैठी होती है तब वहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे वो मर सकती थी लेकिन उनसे तो वो बच जाती है। लेकिन जब वो घर वापस आ रही होती है तब एक ग्रास कटर से एक पत्थर हिट होता है जो सीधा आकर उसकी आंख में लगता है जिससे वो मर जाती है। और वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों ने ही वहाँ पर फेंका था। उस लेडी की डेथ से निक को पता चल जाता है कि डेथ उनके आसपास ही है। न्यूज़पेपर के ऊपर भी 180 लिखा हुआ और इसके बारे में वो रिसर्च करते हैं। तभी उन्हें 180 की तबाहियों के साथ साथ डेथ के पूरे कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है कि वो कैसे काम करती है, और वहीं पर उन्हें डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर वो डेथ के प्रोसेस को रोक देते हैं तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर निक को एक और आता है। अब वो डेथ के बारे में तो सब जान चुका था मगर उसे ये पता नहीं होता कि अगली बारी किसकी है, और ये पता करने के लिए वो स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर क्रैश हुआ था, और वहाँ पर गार्ड से मिलते हैं। गार्ड उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है जिससे निक को पता चल जाता है कि अगली बारी उस मैकेनिक की है। वो तीनों मैकेनिक के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। वो मैकेनिक को सब कुछ बता देते हैं। वो उनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वो देखते हैं कि एक वैन उसकी तरफ आ रही है लेकिन किसी तरह उससे बच जाता है, और मैकेनिक को अब उन तीनों की बातों पर यकीन आ जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े
हो जाते हैं। अब निक उन्हें बताता है कि अगली बारी उसके दोनों फ्रेंड्स हंट और जैनेट की है। निक को फिर से एक वियन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उन दोनों की मौत पानी की वजह से होगी। तब उन्हें एक प्लान आता है और वो सोचते हैं कि हंट के पास निक जाएगा और जैनेट को बचाने के लिए वो गार्ड और लोरी जाएंगे। जैनेट जो कि कार वॉश एरिया में थी और हंट एक वाटर पार्क में आया होता है। जैनेट कार वॉश में जा रही होती है लेकिन किसी खराबी की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब सारे डोर्स लॉक थे, वो बाहर नहीं आ सकती थी और किसी को कॉल भी नहीं मिला सकती थी क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। और ये नहीं बल्कि उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो गया था। तब सनरूफ तो थोड़ा सा खुल जाता है लेकिन उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है और सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। दूसरी तरफ हंट का फेवरेट कॉइन स्विमिंग पूल में गिर जाता है और हंट उसे लेने के लिए स्विमिंग पूल में चला जाता है। हंट देखता है कि जिस हॉल में से पानी ड्रेन हो रहा है कॉइन वहाँ पर गिरा है और हंट उस ड्रेन हॉल में फंस जाता है। उन दोनों ने पानी से मरना था और वो दोनों पानी में बुरी तरह फंस गए थे। जैनेट की कार पूरी तरह से पानी से भर गई थी और वो किसी तरह से अपना सर सनरूफ से बाहर निकालती है। जैनेट सोच रही थी कि अब वो शायद बच सकती है क्योंकि अब तो वो आसानी से सांस भी ले रही थी। लेकिन तब अचानक से वो कार स्लोप से चलने लगती है और जैनेट को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। लेकिन लोरी राइट टाइम पर वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसकी जान बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। अब जैनेट को तो बचाने में वो कामयाब हो जाते हैं लेकिन हंट अभी तक वहीं पर फंसा होता है और निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वो हंट को ढूंढ नहीं पाता और हंट की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर तो हंट मर गया था और जैनेट बच गई थी और अगली बारी उसे गार्ड की थी और वो गार्ड उस दुनिया में बिल्कुल अकेला था इसलिए उसे अपनी मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी और उसे जीने का कोई शौक नहीं था। लेकिन निक और लोरी को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वो उसे बचा सकते थे और उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो दोनों उसी गार्ड के घर जाते हैं। उसके घर जाकर वो देखते हैं कि उसने खुद को फांसी पर लटकाया हुआ है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो लोगों को बताता है कि वो सुबह से फांसी लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि जैनेट को बचाकर उन्होंने डेथ की इस प्रोसेस को तोड़ दिया है, अब वो लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के लिए वो लोग ट्रिप पर जाएंगे। निक सामान पैक कर रहा होता है और लोरी जैनेट के साथ मूवी देखने गई होती है। तभी निक देखता है कि टीवी पर उस कॉबॉय की न्यूज चल रही है, यानी उसे क्रैश से सेव कर लिया गया। तब निक फौरन समझ जाता है कि अगर वो कॉबॉय बच गया था तो अब मरने की बारी उसी कॉबॉय की है। तब निक जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो उस गार्ड को भी वहाँ पर बुला लेता है लेकिन पहुँचने में उन्होंने काफी देर लगा दी थी क्योंकि डेथ ने तो अपना काम शुरू कर दिया था और वो उनकी नजरों के सामने मारा जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब निक और गार्ड जल्दी से वहाँ से निकलते हैं क्योंकि उन्होंने लोरी और जैनेट को बचाना था। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तभी एक एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ाकर ले जाती है। तब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुँचता है, उसे फिर से एक वियन नजर आता है और वो लोरी को ढूंढने लगता है। लोरी सिनेमा हॉल में बैठी होती है और डेथ ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने वाले कमरे में आग लग गई थी। निक लोरी को ढूंढ लेता है और निक उन्हें बताता है कि मौत का ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ और बेहतर होगा कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैनेट उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहती थी और वो वहीं पर बैठकर मूवी एंजॉय करती है। तब मूवी में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट रियल बन जाता है जिसमें जैनेट भी मारी जाती है और अगली बारी लोरी की है। वो उस हॉल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल उसकी लपेट में आ गया था। लोरी का पांव एक्सेलरेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मर जाती है और तभी निक फौरन सेंसेस में वापस आ जाता है, यानी एक बार फिर से उसने फ्यूचर देख लिया था। और वो उस गार्ड के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आता है। वो गार्ड उससे बातें करते हुए चल रहा होता है और गार्ड के साथ क्या होने वाला है ये निक जानता था लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता है वो एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। फिर निक मॉल में जाता है और वो सिनेमा हॉल में जाने के बजाय उस कमरे में जाता है जहाँ पर आग लगी थी क्योंकि वो सब लोगों को बचाना चाहता था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है जिसे वो इंजर्ड हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी आग बुझाने में सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर वो सोचता है कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई है। उसके बाद हम 2 वीक्स के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था। वो एक कैफे में बैठे होते हैं और उस कैफे का नाम था डेथ बाय कैफीन और वहाँ पर भी निक को बहुत सारे नेगेटिव क्लूज मिल रहे थे जिन्हें देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उन क्लूज को देखकर निक फौरन समझ जाता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया और ना ही उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई है क्योंकि ब्लास्ट तो होना ही नहीं था। यहाँ पर डेथ ने उसके साथ एक प्रैंक किया था क्योंकि डेथ उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी बल्कि वो डेथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वो ये सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि अगर वो इस कैफे में बैठे हुए हैं ये भी डेथ का एक प्लान हो सकता है। अब बस वो ये कहता है कि एक बस आकर उन तीनों को कुचल डालती है और वो भी मारे जाते हैं और इनकी डेथ के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।